जय जिनेन्द्र, मेरे किसी भी स्टॉक्स लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन लेवल पर ट्रेड लेने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है। इसके पढ़े बिना आप मेरे किसी भी स्टॉक्स लेवल निफ्टी लेवल पर ट्रेड ना लें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे 6 से 10 जून 2022 के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी और ऑप्शन और डेटा एनालिसिस करेंगे। एफआई ने तो केस में 3770 करोड़ का माल बेचा है नेट में। डीआई ने केस में 2360 करोड़ का माल बाई किया है। एफएनओ इंडेक्स में एफआई ने 187 करोड़ का प्लस किया, बहुत मामूली सा है। और इंडिया विक्स 19.9 है, 3 जून के डाटा है। और 6 जून 2022 को बाजार कैसा रहेगा उसके अपने एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में 3617 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, तो नेट बेसिस पे अभी वो 66744 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग चल रहा है। डीआई ने 517 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, नेट बेसिस पे वो अब 50614 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट चल रहे हैं। एफआई ने 2492 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, नेट बेसिस पे वो अभी 26264 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में चल रहे हैं। प्रो ने 1642 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो नेट बेसिस पे अभी वो 10134 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। अब चलते हैं इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 1,16,978 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो नेट बेसिस पे अब उनके पास बाइंग रह जाता है 49,049। एफआई ने 3302 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो नेट बेसिस पे वो 64,721 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल में लॉन्ग चल रहे हैं। प्रो ने 1,20,280 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, यानी मंदी खेले हैं, तो नेट बेसिस पे उनके अब हो जाते हैं 1,14,588 कॉन्ट्रैक्ट। अब चलते हैं इंडेक्स पुट में, वहाँ पर देख लेते हैं। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 63,750 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, तो नेट बेसिस पे अब उनके शॉर्ट रहते हैं 318,388, यानी तेजी खेले हैं शॉर्ट करने का मतलब। और डीआई ने 30 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं इंडेक्स पुट के, तो अब उनके रह जाते 31,173 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। एफआई ने 40,806 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं इंडेक्स पुट के, तो अब उनके बढ़ के 2,20,961 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग चल रहे हैं। प्रो ने भी आज 22,914 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो उनके अब नेट बेसिस पे 66,255 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग चल रहे हैं। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर एफआई ने 88,548 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं, सामने कॉल शॉर्ट भी किए 85,246। उसी तरह इंडेक्स पुट में 59,134 लॉन्ग किए हैं और 18,328 कॉन्ट्रैक्ट ही शॉर्ट किए हैं। तो समरी यही निकल के रहती है कि बाजार मंडे को तो यदि ऊपर खुलता है तो बेचकर ही खेलना है, अपने को ऐसे भी बेच के खेलना है। यदि ऊपर खुल जाए तो अपने को अच्छा अपने लेवल के पास मिले तो वहाँ पर बेचना है, और उसके नीचे भी हो तभी बेचना है। और इन केस गैप डाउन खुल जाता है तो फिर अपने 16,430 के पास अपने एक बार लेके ट्राई करेंगे 50-60-70 पॉइंट के लिए, जैसे आज भी अपने किए थे, इंडेक्स पुट लिए थे नीचे के भाव में, 16,800 का पुट लिए थे, 160 से 151 का रेंज मैंने लिखा था, 67 से घुमा है, तो 5-10 पॉइंट प्लस माइनस रह सकता है। और वहाँ से वो 250 का टारगेट दिया था, ऊपर 290 तक तकरीबन गया था, लास्ट में 290 तक ले गया था लोग, तो 250 अपना टारगेट, मैंने 80 पॉइंट मिला और क्या चाहिए। इंट्राडे में 80 पॉइंट मैंने बहुत हो गया, एक लोट में अब देखा जाए तो आपको 4,500 तकरीबन, 4,500 तो नहीं, 845, हाँ ठीक है, 4,500 आपको प्रॉफिट मिला।
तो अब चलते हैं अपने अपने एक्सेल शीट में, वहाँ पर देखते हैं क्या है। बैंक निफ्टी का आप देख लीजिए, यहाँ पे 35,000 वीकली के हिसाब से 35,100 मैंने 35,500 पकड़िए, उसके नीचे सेल रहेगा 34,938, ये वीक का टारगेट है 34,602 और 34,030, ये तीन टारगेट रहेंगे। 35,500 के ऊपर चले तो 35,850 पहला रजिस्टर, दूसरा 36,420, 36,400 तो पहले 36,000 का जो इस वीक का हाई है 36,184 यानी 36,100 ये रहे, यहाँ पर दिखा हुआ लिखा हुआ है हाई 36,084, उसके बाद 36,420। और इस हफ्ते में RBI का भी रेट हाइक की पॉलिसी है बुधवार को, वेडनेसडे को, तो उठा पटक तो दोनों साइड रहेगी। और इंट्राडे में देखेंगे आप तो 35,470 के नीचे सेल रहेगा मंडे के लिए, 34,980 तक आ सकता है। क्लोजिंग तो 35,275 दिया, तो यहाँ से 300-350 पॉइंट नीचे पकड़ के चलिए, वहाँ एक बार लेना चाहिए अपने को, या 34,600-34,700 के पास भी लेकर खेल सकते हो इंट्राडे में। अब चलते हैं अपने निफ्टी की देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए 16,605 के नीचे सेल रहेगा वीकली के हिसाब से है, 16,440 भी आ रहा है, वहाँ से घूम सकता है। और उसके बाद एक 16,363 है, उसके बाद 16,250 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो 16,060 तक इस वीक का टारगेट रहेगा। ऊपर में 16,605 के ऊपर 16,772 और 16,960 ये फिगर रहेंगे। अब चलते अपने मंडे में, मंडे 16,650 के नीचे सेल रहेगा, और ऐसे 16,584 बन दिया है मंडे का, आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन शायद थोड़ा गैप अप भी खुले तो बेचना है, 16,650 के आसपास बेचिए, 16,700 ऊपर में 16,730 का रेजिस्टेंस, और उसके बाद 16,794 जो आज का हाई है, शुक्रवार का हाई है वो, और नीचे 16,650 के नीचे 16,500 और 16,423 या 430 का जो अपने इस वीक का लो बना है 40 का, वही रहेगा, तो वहाँ पर अपने बाई करेंगे। इनकेस गैप डाउन खुलते हैं तो 16,440 के पास अपने बाई करके चलेंगे, अपने को तो 5,500 पॉइंट से मतलब है। और RSI मंथली में 61.81 फ्लैट है, और स्टोकेस्टिक 41.74 डाउन चल रहा है, वीकली में 46.91 फ्लैट है, यह थोड़ा कट गया है कोई बात नहीं है, और RSI डेली में 52.24 फ्लैट है और 72.24 डाउन है इंट्राडे में। तो ये थे एनालिसिस, अब चलते हैं अपने स्लाइड्स की ओर और वहाँ पर लेवल नोट कर लेवे। यदि आपको मेरे डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अब चलिए स्लाइड्स की ओर, वहाँ पर लेवल नोट कर लेवे। मेरे लेवल पर ट्रेड लेने से पहले डिस्क्लेमर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से पढ़े, और मेरे लेवल पे ट्रेड लेने से पहले आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही मेरे लेवल पे ट्रेड करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो इसका जिम्मेवार मैं और मेरा चैनल नहीं है। वीकली लेवल 6 से 10 जून 2022 के निफ्टी स्पोर्ट बिलो 16,610 के नीचे सेल रहेगा, सपोर्ट 16,440, 16,250 और 16,062, रेजिस्टेंस ऊपर में 16,710, 16,790 और 16,890 मैक्स। मंडे 6 जून 2022 के लिए है निफ्टी स्पोर्ट बिलो 16,650 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 16,503 और 16,440 पकड़ लीजिए, और रेजिस्टेंस ऊपर में 16,730 तक जा सकता है। मंडे 6 जून 2022 के लिए निफ्टी 16,600 का पुट वीकली वाला
जहाँ घटे वहाँ 77-65 के पास लेना है। सपोर्ट 51-65 का रखिए, रेजिस्टेंस 130 का रखिए। अब ये फिगर मैंने इसलिए दिया है कि इनकेस बाजार ऊपर खुलता है 50-60 पॉइंट तो ये आपको 77-65 पे मिल जाएगा, तो इसको लेना है 51-65 पे। रेजिस्टेंस 130 फर्स्ट टारगेट है, फिर ऊपर जाएगा तो अलग बात है। मंडे 6 जून 2022 ले। अब ये देखिए, ये फिर 16,600 का ही पुट है, वो अपने को घटे हुआ लेना था और ये बढ़े हुए तो वहाँ बेचना है। बढ़े हुए माने इनकेस गैप डाउन से खुल जाता है, 16,400 ही निफ्टी खुल जाता है, तो इसका भाव हो जाएगा 269-70 तक जा सकता है। तो वहाँ बेच कर रेजिस्टेंस 295 का स्टॉप लॉस लगा दे, 295 से 320 का लगाइएगा, मैक्स टू मैक्स 320 का लगाइए और टारगेट पकड़िए। सपोर्ट 180 तक आ सकता है, क्यों, नीचे 16,400 के बाद एक बार बाउंस देगा, तो वहाँ पर आपको ये 270 में बेचा होगा तो वो आपको 180 तक आपको मिल जाएगा, 80-100 पॉइंट मिल सकता है। तो ये कन्फ्यूज़न मत कर रहिएगा कि 16,600 का पुट एक बार लेने का बोल रहा है और एक बार बेचे हुए दाम पे बेचने को बोल रहा है। लेने का उसी टाइम में, यदि इनकेस गैप अप खुलता है तो नीचे में सस्ता में मिल जाएगा तब लेना है पुट, और यदि गैप डाउन ही खुल जाए 200-250 पॉइंट तब ये आपको ऊपर के भाव में एक बार बेच के 80-100 पॉइंट के लिए और 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। मंडे 6 जून 2022 के निफ्टी 16,600 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 196 के पास बेचिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 245 का लगाना है, सपोर्ट 126 और 102 तक आ सकता है। मंडे 6 जून 2022 के लिए निफ्टी 16,400 का कॉल वीकली वाला, इनकेस मजार गैप डाउन खुले तो आपको 16,400 का कॉल वीकली वाला जहां घटे वहां 145 के पास लेना है। सपोर्ट 110 का लगा दीजिएगा और रेजिस्टेंस 265 के लिए आप ले सकते हो। ये पोजिशनल है, 6 से 10 जून वीकली पोजिशन है 2022 के निफ्टी 16,500 का पुट जुलाई एक्सपायरी वाला, एबव 410 के ऊपर चले तो लेना है। सपोर्ट 335-255 क्लोजिंग बेस रहेगा और रेजिस्टेंस 590 और ऊपर में 680 तक जा सकता है। वीकली लेवल 6 से 10 जून 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 35,500 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 34,950 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 35,850 और शुक्रवार का हाई 36,000 और 36,400 तक जा सकता है। और आरबीआई का पॉलिसी है, ये नोट कर लेगा। मंडे 6 जून 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 35,275 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 34,950 का और रेजिस्टेंस 35,470 और 35,650 सेल ऑन राइस रहेगा। ये वीकली पोजीशन है 6 से 10 जून 2022 में बैंक निफ्टी 34,000 का पुट जुलाई एक्सपायरी वाला है, जुलाई एक्सपायरी का है। एबो 634 के ऊपर चले तो लेना है। सपोर्ट 500 और 340 क्लोजिंग बेस रहेगा। रेजिस्टेंस 795-930 और 1,065 तक जा सकता है। वीकली का है, क्यों, आरबीआई का पॉलिसी है तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों साइड हो सकता है। मंडे 6 जून 2022 के लिए बैंक निफ्टी 35,000 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 750 के पास बेचिए। रेजिस्टेंस 850 का लगा दीजिए। सपोर्ट 430-350 तक आ सकता है। मंडे 6 जून 2022 के लिए बैंक निफ्टी 35,500 का पुट वीकली वाला, एबव 450 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट 360-320, रेजिस्टेंस 745 तक जा सकता है। ये वीडियो मैं फ्राइडे को ही बना रहा हूँ, रात को 11:30 बजे। डाउ जोन तो
200-250 पॉइंट माइनस था। देखते हैं शनिचर को सुबह क्या होता है, लेकिन मैं वीडियो शुक्रवार को बना रहा हूँ तो लेवल सारे आप नोट कर लेना। यदि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आपको तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्त।